हाई वे बनाने का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो भारत सरकार ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को सुधारने तथा कल्याण एवं स्वैच्छिक आधार पर जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए 1952 में विस्तृत परिवार नियोजन कार्यक्रम किया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय नीति 2000 के उद्देश्य, पहला उद्देश्य 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य शिशु मृत्यु दर को प्रति 100 में से 25 से कम करना। तीसरा पॉइंट व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। चौथा पॉइंट लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 परिवार नियोजन को एक जन केंद्रीय कार्यक्रम बनाना। नेक्स्ट पॉइंट किशोरों को पोषण सेवाएं तथा खाद्य संपूरक सेवाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना। नेक्स्ट पॉइंट बाल विवाह को रोकने के कानून को सुदृढ़ करना। सो थैंक यू। सुदृढ़ करना। सो थैंक यू।